मई को रूस का विक्ट्री डे है और दावा किया जा रहा है कि 9 मई को रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को अंजाम पर पहुंचा देगा। दावा न्यूक्लियर अटैक का भी है और इन तमाम आशंकाओं के बीच पुतिन का क्या है विक्ट्री डे का प्लान, 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ क्या करने वाले हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। को क्या करने वाले हैं पुतिन? क्या है पुतिन का खुफिया प्लान? विक्ट्री डे पर पुतिन का खतरनाक प्लान। जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे रहस्य गहराता जा रहा है। पुतिन की प्लानिंग को लेकर हर कोई कयास लगा रहा है, सबके जहन में सवाल है, क्या कर पुतिन क्या फैसला लेंगे, यूक्रेन पर कौन सा अटैक करेंगे, इसको लेकर यूक्रेन समेत यूरोप का हर देश आशंकित है। नौ मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है और उससे जोड़कर कभी खबर उड़ी कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं तो कभी अटकलें लगी कि पुतिन कई देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने तो इन अफवाहों पर विश्वास करने की तैयारी भी शुरू कर दी। खबर है इस बार पुतिन की प्लानिंग ऐसी होगी जो कभी किसी ने सोची न होगी। द ओडेसा जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुतिन डेड एंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक ऐसी दिशा में आगे बढ़े हैं जहां से वापसी का रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा। मतलब पुतिन के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो किसी की सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। द ओडेसा जनरल ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानव का इंटरव्यू छापा, जिसमें उन्होंने बताया कि पुतिन यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तावरिया प्रांत को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने से पहले ये प्रांत उसका हिस्सा था, जिसमें क्राइमिया, खेरसन और डोनेस्क के कुछ हिस्से शामिल थे। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करके एक नया देश बनाना चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। यानी पुतिन के दिमाग में प्लान ए और प्लान बी दोनों हैं, जिसे वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने पुतिन के प्लान को तो बताया ही, साथ ही ये भी दावा किया कि समय के साथ रूस का हौसला पस्त हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा समय से जंग लड़ते लड़ते पुतिन की आर्मी थक चुकी है। यूक्रेन के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने यह भी दावा किया है कि युद्ध से पहले पुतिन को उनके जिन आर्मी अफसरों पर सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया। यूक्रेन के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया है कि पुतिन अपनी हार कबूल नहीं कर सकते, जबकि यूक्रेन से जंग जीतने की उनकी 24 अप्रैल की डेडलाइन कब की बीत चुकी है, जिसके बाद एक नई तारीख यानी 9 मई की बात होने लगी। सच तो यह है कि महाशक्तिशाली रूस के सामने छोटा सा यूक्रेन मजबूती से डटा है, युद्ध के दौरान नाक में दम करके रखा है, जिसकी वजह से ही अब तक जंग बेनतीजा रही है। यूक्रेन तबाह हो गया हो, यूक्रेन बर्बाद हो गया हो, लेकिन यूक्रेन अब तक झुका नहीं है। यूक्रेन के इसी हौसले से पुतिन आग बबूला हो गए हैं और अब इससे जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन का मानना है कि पुतिन की यही जिद, यही गुस्सा उन पर भारी पड़ रहा है। अब पुतिन के सैनिक ही नहीं, कमांडर लेवल के सैन्य अधिकारी थकने लगे हैं। यूक्रेन के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने तो अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है और इस युद्ध में उनका अंत होगा, क्योंकि वो खुद एक डेड एंड पर आ गए हैं।
जहां से उनका जिंदा लौटना मुश्किल है। यूक्रेन के जासूसों के चीफ कहे जाने वाले बोदानोव ने भले ही इस इंटरव्यू में यूक्रेन के रूस पर भारी पड़ने का दावा किया, लेकिन वो ये भूल गए कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मतलब ये कि रूस कितना भी कमजोर हो जाए, यूक्रेन से ताकतवर ही रहेगा, क्योंकि यूक्रेन की बड़ी बड़ी बातों के बीच रूस लगातार अपनी युद्ध की रणनीति में बदलाव कर रहा है। बोदानोव ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात मानी है कि रूस 9 मई से पहले जीत हासिल करने के लिए डेंजरस प्लानिंग कर रहा है। अब देखना है कि 9 मई को यूक्रेन जीतने के लिए पुतिन कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं। पुतिन चाहे बेफिक्र हो, लेकिन उनके एक एक्शन ने लंदन तक खलबली मचा दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुई एक डिबेट इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। क्या है वजह, क्यों दहशत में है पूरा ब्रिटेन, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप में इस वक्त पुतिन का कितना खौफ फैला हुआ है। के पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमले की चेतावनी। ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी। सबसे ताकतवर परमाणु हथियार से अटैक की वार्निंग। रूस में टीवी पर खौफ का प्रसारण। क्या ब्रिटेन पर होगा न्यूक्लियर मिसाइल से वार? क्या एक मिसाइल से मिट जाएगा ब्रिटेन? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अलग गहराई में डुबोने की धमकी दी गई। इस शो के जरिए पुतिन से आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी गई। एक ऐसी सुनामी जिसमें पूरा ब्रिटेन समंदर के अंदर समा जाए। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें पुतिन के माउथपीस माने जाने वाले शख्स के बयान को हेडलाइन बनाकर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। रूस के मुख्य प्रचारक ने पानी के नीचे पोसाइडन परमाणु के साथ ब्रिटेन को समुद्र की गहराई में डुबोने की धमकी दी है। इसके आगे जो लिखा है उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया है, पोसाइडन जो 1600 फीट की रेडियो एक्टिव ज्वार की लहर पैदा करेगा और यूके को मानचित्र से मिटा देगा। ब्रिटेन के नाम खौफ का ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया है जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगंडा मशीन मानते हैं। इसका नाम है दमित्री किसलेव।
दिमित्री किसलीव को पुतिन का माउथपीस कहा जाता है। दिमित्री किसलीव जो बोलते हैं उसे पुतिन का बयान माना जाता है। दिमित्री किसलीव ने टीवी पर लाइव आकर ब्रिटेन को पोसाइडन अंडरवाटर न्यूक्लियर बम का नाम लेकर धमकाने की कोशिश की है। ब्रिटेन के नाम दिमित्री किसलीव की नई धमकी के साथ साथ टीवी चैनल पर इस संभावित हमले का डेमो भी दिखाया गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर इस वीडियो के जरिए दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो कैसे ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है। दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टीवी पर दिमित्री किसलीव ने एक साथ दो दो धमकियां दी। पहली धमकी ये कि अगर रूस चाहे तो वो समंदर के रास्ते ब्रिटेन पर पोसाइडन से परमाणु हमला कर सकता है। वहीं दूसरी धमकी आसमान के रास्ते परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुतिन के मुखपत्र के तौर पर मशहूर रूस के टीवी न्यूज एंकर दिमित्री किसलीव ने अपने शो के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराइयों में डुबो देंगी। समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। रूसी एंकर दिमित्री किसलीव की इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पोसाइडन टॉरपीडो और ड्रोन का एक मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि ये परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह कर सकता है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर दिमित्री किसलीव ने दावा किया कि पोसाइडन टॉरपीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लेस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इसमें ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्केफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉरपीडो मानव रहित स्टिल्थ टॉरपीडो है और इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है। यानी अगर ये टारगेट पर हमला करने के लिए चल पड़े तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में ही परमाणु हमला किया जा सकता है।